Hello, my dear friends all over India. This is CM Mohit Agarwal from Calcutta. Now, I've been receiving lots of messages, emails, WhatsApp, ki, sir, new syllabus CS professional, ki, old syllabus CS professional. उसके बारे में बताइए, जिन लोगों का एग्जाम जून 2019 में है, सर कैसे रजिस्ट्रेशन होगा? आईसीएसआई ने कोई क्लैरिटी नहीं दे रखा है, सर प्लीज हेल्प करिए. आईसीएसआई ने क्लैरिटी नहीं दे रखा है, सही बात है, बट आईसीएसआई सारा इंफॉर्मेशन निकालना पड़ता है, जो कि मैंने निकाल रखा है वेबसाइट से. आईसीएसआई के हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके, जिसका ऑडियो भी मैं इस वीडियो में डाल रखा हूं, ध्यान से सुनते जाइए. बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिन लोगों का जून 2019 में सीएस प्रोफेशनल ड्यू है. पहला क्वेश्चन जो मेरे बच्चों के मन में आ रहा है, सर ओल्ड सिलेबस लें कि न्यू सिलेबस लें? 100% न्यू सिलेबस, एब्सोल्युटली न्यू सिलेबस. ठीक है, तो जिन लोग के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ओल्ड बेटर है कि न्यू बेटर है, 100% न्यू सिलेबस यू शुड ऑप्ट फॉर अंडर सीएस प्रोफेशनल जून 2019. ओके, ये एक पहला क्वेश्चन हो गया कि न्यू सिलेबस ही लेना है. दूसरा क्वेश्चन, सर न्यू सिलेबस के अंदर रजिस्ट्रेशन कब से होगा? 1 सितंबर 2018 से. जो तीन चार दिन बचे हैं, तीन चार दिन के बाद से 1 सितंबर से रजिस्ट्रेशन होगा. ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, सर जून 2019 का नया सिलेबस में हम लोग सारा मॉड्यूल दे सकेंगे? देखो भाई, अगर आप 1 सितंबर ऑनवर्ड्स रजिस्ट्रेशन करवाओगे, यू आर एलिजिबल ओनली फॉर वन मॉड्यूल. केवल एक मॉड्यूल आप दे सकेंगे, तीन मॉड्यूल है. मैंने ऑलरेडी आप लोग को सिलेबस का एनालिसिस वगैरह करके दे रखा है, उसका वीडियो भी डाल रखा है, प्लीज देख लीजिएगा. तीन मॉड्यूल में से आप केवल एक मॉड्यूल के लिए एलिजिबल होगे जून 2019 में, अगर आप रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर ऑनवर्ड्स करवाते हैं. तो सर अभी करवा लेके, अभी तो नया सिलेबस में रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा ना, 1 सितंबर से होगा. 1 सितंबर 2018 ऑनवर्ड्स आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा न्यू सिलेबस में, और तब आपने विषय करवाया, तो कई वाला आप एक मॉड्यूल के एलिजिबल होगे अंडर न्यू सिलेबस फॉर जून 2019. ओके, तो सर रैंक लाना चाहते हैं हम लोग, और रैंक लाने के लिए आपको पता है तीनों मॉड्यूल देना पड़ेगा. तो सर ओल्ड जॉइन कर लेके? बिल्कुल नहीं. अगर आप रैंक लाना चाहते हैं और तीनों मॉड्यूल साथ देना चाहते हैं, पहले तो और एक बार सोच लो, क्योंकि 8 महीना में तीनों मॉड्यूल प्रिपरेशन इज अ हरक्यूलियस टास्क. तो मेरा एडवाइस ये रहेगा, जो रैंक लाना चाहता है वो दिसंबर 19 में अपना एग्जाम दे, रैंक एम करने के लिए तीनों मॉड्यूल साथ में दे. और जो प्रेशर हल्का हल्का लेना चाहता है, वो आराम से जून में अपना एक मॉड्यूल दे दो और दिसंबर में बचा कुचा दो मॉड्यूल दे दो. अब जून में वो कौन सा मॉड्यूल दे? ये वाला मॉड्यूल. पूरा वीडियो लास्ट तक सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आएगा. जून में, जून 2019 में न्यू सिलेबस के अंदर आपको ये वाला मॉड्यूल देना चाहिए, मॉड्यूल 2. सर ऐसा क्यों? बिकॉज मॉड्यूल 2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 3. वेयर एज इफ यू सिलेक्ट मॉड्यूल 1 और इफ यू सिलेक्ट मॉड्यूल 3, दे आर डिपेंडेंट ऑन मॉड्यूल 2. आई रिपीट, मॉड्यूल 2 इज इंडिपेंडेंट, उसका मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 3 से लेना देना नहीं है, बट मॉड 1 और मॉड 3 मॉड 2 के ऊपर. तो अगर आप 1 सितंबर को 2018 onwards रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, आपको एक ही मॉड्यूल देना एलिजिबल हो गया आप जून 2019 न्यू सिलेबस में, और वो मॉड्यूल होगा मॉड्यूल 2. आपको देना चाहिए, दे तो आप कोई भी एक मॉड्यूल, मॉड्यूल 2 ही आप देंगे. क्यों? बिकॉज मॉड्यूल 2 इज इंडिपेंडेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन 1 एंड 3, बट 1 एंड 3 डिपेंड ऑन 2. क्लियर? और जो रैंक लाना चाहता है उसको मेरे लिए क्या एडवाइस है? मेरा उसको यह एडवाइस है कि जो रैंक लाना चाहते हैं, ही और शी शुड अपियर इन दिसंबर, कीपिंग सफिशिएंट टाइम इन हैंड फॉर रिवीजन एंड ऑल, और पूरे कोर्स को गहराई में पढ़ना. ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं कि जो रैंक लाना चाहता है वो आराम से 1 सितंबर ऑनवर्ड्स रजिस्ट्रेशन करवा ले, 1 सितंबर 2018 ऑनवर्ड्स और दिसंबर 19 में दे दे. बट अगेन, पढ़ाई तो एकदम फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से स्टार्ट कर देना, नहीं तो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होगा. और जो हल्का हल्का प्रेशर लेना चाहते हैं वो मॉड्यूल 2 दे दे, 1 सितंबर को रजिस्टर करवा ले 1 सितंबर ऑनवर्ड्स, और मॉड्यूल 2 दे दे, मॉड 2 दे दे जून 19 में, मॉड 1 एंड मॉड 2 जो है वो दिसंबर 19 में दे दे. अब एक बहुत बड़ा चीज, जो रैंक लाना चाहता है या अच्छे नंबर से पास होना चाहता है, तीनों मॉड्यूल देना चाहता है या दो मॉड्यूल जून 2019 में, तो क्या सर ओल्ड ना न्यू सिलेबस में ही देना चाहता है वो? तो सर कैसे संभव है? न्यू सिलेबस में कैसे संभव है? अभी तो आप बता रहे थे कि कट ऑफ डेट आईसीएसआई निकाल रखा है. ये रहा दोस्तों कट ऑफ डेट, आईसीएसआई निकाल रखा है कि अगर आप देखिए इधर एलिजिबल होना चाहते हैं ऑल मॉड्यूल्स, प्रोफेशनल के ऑल मॉड्यूल्स के लिए, है ना, ऑल मॉड्यूल्स के लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको 31 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, है ना, 31 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा इफ यू वांट टू अपियर ऑल मॉड्यूल्स ऑफ प्रोफेशनल इन जून 19. बट न्यू सिलेबस का तो रजिस्ट्रेशन ही स्टार्ट नहीं हुआ, तो 1 सितंबर से होगा.
और अगर आप 1 सितंबर ऑनवर्ड्स रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो 1 सितंबर से आपके पास 30 नवंबर 2018 तक का टाइम है, 1 सितंबर से लेकर के 30 नवंबर 2018 तक का टाइम है, आप कोई भी एक मॉड्यूल दे सकते हो। बाप रे बाप, आराम से 31 अगस्त तक रजिस्टर करवा लोगे ना, 31 अगस्त तक सही समझे, तो तीनों मॉड्यूल दे सकोगे। बट 31 अगस्त तक तो खाली ओल्ड में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो मैंने ICSI के द्वारा हेल्पलाइन जो नंबर था उसमें कॉल किया, और उसमें कॉल करके मैंने साफ साफ पूछा कि भैया अगर मैं 31 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करवा लूं ओल्ड में, उन्होंने बोला करवा लो ओल्ड में, मैं June 19 फिर न्यू में दे सकता हूं क्या? बोला आराम से दे सकते हो, स्विच ओवर करवा लेना, स्विच ओवर का कोई कॉस्ट भी नहीं है, लेकिन आपको नए मॉड्यूल्स के कॉस्ट जो है वो 240 रुपया पर मैट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ मैट्स, उतना आपका एक्स्ट्रा 800 रुपया जाएगा। मतलब जो June 19 में सारे मॉड्यूल देना चाहता है या 2 मॉड्यूल देना चाहता है वो 31 अगस्त तक ओल्ड सिलेबस में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, और फिर 1 सितंबर ऑनवर्ड्स ओल्ड से न्यू में कन्वर्ट कर सकता है विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी स्विच ओवर कॉस्ट, एंड एक्स्ट्रा जो उसको मॉड्यूल का कॉस्ट रहेगा वो उसको देना पड़ेगा न्यू सिलेबस का बाई करने के लिए इंस्टीट्यूट को। तो 3 डिसीजन निकल करके आ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना ये तीनों डिसीजन। जो प्रेशर हल्का हल्का लेना चाहता है 1 सितंबर ऑनवर्ड शांति से रजिस्ट्रेशन करवा लो न्यू सिलेबस में, June 19 में मॉड्यूल 2 दे दो, December 19 में मॉड 1 एंड मॉड 3 दे दो, खत्म कर। जो अच्छे से पढ़ाई करके रैंक लाना चाहता है आराम से बैठो, 1 सितंबर से रजिस्ट्रेशन करवा लो और December 19 में तीनों मॉड्यूल दे दो, बट पढ़ाई जो है शुरू से स्टार्ट कर देना। जो June 19 के अंदर ही तीनों मॉड्यूल देना चाहता है न्यू सिलेबस में, ठीक है, और अच्छा नंबर या रैंक लाना चाहता है, उसके लिए भी पॉसिबिलिटी है, एक दरवाजा खुला है। 31 अगस्त तक ओल्ड सिलेबस स्विच ओवर करवा लीजिए, खाली मैट का आपको परचेस कॉस्ट देना पड़ेगा ICSI। साउंड का अगर कोई इशू था तो एक बार वापस से सुन लीजिए, 3 डिसीजन, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट डिसीजन ये है आपका कि अगर बॉयज एंड गर्ल्स आप हल्का हल्का प्रेशर लेना चाहते हो तो 1 सितंबर ऑनवर्ड्स रजिस्ट्रेशन करवा लो, June 19 में मॉड 2 दे दो और December 19 में मॉड 1 एंड मॉड 3 दे दो, खत्म कर। जो रैंक लाना चाहता है तो न्यू मॉड्यूल साथ में देना पड़ेगा आराम से, December 19 में तीनों मॉड्यूल साथ में दे देना न्यू सिलेबस का 1 सितंबर ऑनवर्ड्स रजिस्ट्रेशन करवा करके, ओके, बट पढ़ाई शुरू से। और जिसको लगता है वो June 19 में अच्छा नंबर से पास हो जाएगा और आएगा, ठीक है, न्यू सिलेबस भी देना चाहता है, वो 31 अगस्त तक ओल्ड में रजिस्टर करवाओ, 31 अगस्त के बाद 1 सितंबर से न्यू में ट्रांसफर करवा लो, कॉस्ट नहीं है, खाली मैट परचेस करना पड़ेगा आपको ICSI का। आई होप दिस सर्व्स योर पर्पस बॉयज एंड गर्ल्स। एक बार आप सब्जेक्ट्स वगैरह यहां पर देख सकते हैं, हम लोग के बैचेस फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से स्टार्ट होंगे, यहां पर सारा लिखा हुआ है। बेटर रहेगा आप तीनों मॉड्यूल जो है ना एक साथ एडमिशन लो, ठीक है, इसमें आपको बहुत सारा बेनिफिट्स वगैरह है, देख सकते हैं आप, और इससे आपको बेनिफिट्स ये भी रहेगा आप तीनों मॉड्यूल साथ में अगर लेते हैं, भले आपका June 19 में मॉड 2 है, आप तीनों मॉड्यूल साथ में लीजिए, हम लोग भी अग्रेसिवली June 19 के लिए मॉड 2 ही करेंगे, बट थोड़ा थोड़ा मॉड 1 एंड मॉड 3 आपका प्रिपरेशन हुआ हुआ रहेगा, ठीक है, और June 19 के 2 महीना पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मॉड 2 वाला, जो लोग मॉड 2 ले रहे हैं और मॉड वाला लोग जिन लोग उन लोग का भी, और जिन लोग मॉड 2 केवल अपेयर कर रहे हैं 1 और 3 का कुछ तो उन लोग को आइडिया लग ही जाएगा, ताकि उन लोग अपने June 19 के बाद 3-4 महीना में मॉड 1-3 करके December 19 में दे दें, ओके। तो इस तरीके से प्रिपरेशन है। अब वो जो ICSI का ना, एक बार मैं वो चला दे रहा हूँ हेल्पलाइन वाला ऑडियो, वो एक बार आप सुन लीजिए, उससे आपका और सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी रहा तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज में, मोहित एडिकॉम प्राइवेट मेरे फेसबुक पेज है, 8017567120 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मोहित अग्रवाल सर क्लासेस @gmail.com जो है वो मेरा ईमेल आईडी है, आप उसमें रीच आउट करिए, ठीक है, आई बी हैप्पी टू हेल्प यू, थैंक यू, बाय बाय, लिसन टू द ऑडियो। वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, प्लीज प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, press 2 for Hindi. Anytime during the call, if you wish to speak with our customer service executive, please press 9. Your call is now first in line. While you are waiting, go to the help option.
in the main SMASS.ICSI.com. हाँ, हम अभी इनरोलमेंट करवा रहे थे CS प्रोफेशनल में. ठीक है, तो न्यू सिलेबस में मेरे को देना है, तो क्या जून में हम एक ही मॉड्यूल दे सकेंगे? सर, अगर आप अभी 25 अगस्त से पहले रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो आपका ओल्ड में होगा, तो आप उसको 1 सितंबर के बाद स्विच ओवर करा लीजिए. 1 सितंबर के बाद हम स्विच ओवर करवा ले, अभी ओल्ड में करवा ले, फिर 1 सितंबर के बाद स्विच ओवर करवा ले. जी, तो ऐसे करने से तीनों मॉड्यूल दे सकते हो. स्विच ओवर करवाने के बाद हम तीनों मॉड्यूल दे सकते हैं. लेकिन सर, आपको जो सिलेबस आएगा वो ओल्ड आएगा, आपको जो अगर न्यू सिलेबस चाहिए तो आपको परचेज करना पड़ेगा. अच्छा, फिर न्यू सिलेबस का मैच परचेज करना पड़ेगा, और एक मैच का कॉस्ट कितना होगा? सर, 240 पर बुक होती है. अच्छा, तो बहुत सारे बुक होंगे, वो खरीद लेंगे, वो छोटा इशू है. और एक चीज और बताइएगा ना, कि ओल्ड सिलेबस से जब स्विच ओवर करवाएंगे उसका फीस भी है क्या, स्विच ओवर का भी? नहीं सर, स्विच ओवर का कोई फीस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. और उसका टाइम भी कुछ नहीं है ना स्विच ओवर का? हाँ सर, 31 अगस्त के अंदर हो जाता है. स्विच ओवर कब तक करवाना होगा? 31 अगस्त तक ओल्ड में ले लिए. एक सितम्बर के बाद आप कभी भी करा सकते हैं. अच्छा, 1 सितम्बर के बाद कभी भी स्विच ओवर करवा सकते हैं. और फिर तीनों ग्रुप देने के न्यू में, है ना, जून 19 में. अगर आपको तीनों ग्रुप देना है तो आप 31 से पहले करा लीजिए. ओल्ड में. हाँ, ओल्ड में. और फिर जून 19 में न्यू स्विच ओवर करवाने के लिए, है ना. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाँ, नो, परफेक्टली फाइन. ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग.